घरे में खड़ा करके उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो। लेकिन भारत मुझे आपको में रोकना होगा एक बार जरा, बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, मैं लौट के आ रही हूँ। आज देश को बताना जरूरी है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई। इंदिरा गांधी का इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना राजनारायण की शिकायत पर और उनके रायबरेली के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरा स्टे नहीं मिला। उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई और इस इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, मधु दंडवते, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये सभी गिरफ्तार हुए थे, रामविलास पासवान। हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही थे, बहुत यंग थे हम लोग छात्र, हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हम लोग जेपी मूवमेंट में मीसा में पहले ही बंद हो गए थे। कुलदीप नय्यर ऐसे वरिष्ठ संपादकों को गिरफ्तार किया गया था मीसा में, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी, इंडियन एक्सप्रेस का पब्लिकेशन बंद कर दिया गया था। आप सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते, लिख सकते। हजारों की संख्या में जबरन नसबंदी की गई थी। दिल्ली में तुर्कमान गेट को नेस्तनाबूत कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया गया था, मनमाफी फैसले नहीं दिए थे। और एक जस्टिस एचआर खन्ना जिन्होंने एडीएम जबलपुर केस में यह कहा कि इमरजेंसी के बावजूद लोगों के मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होंगे, उनको एक महीने के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के जेल में नाखून नोचे गए थे, यातनाएं दी गई थी, बहुत लोग मरे। और आलम यह था कि किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया, विविध भारती पर उनके गाने बंद हो गए थे। ये थी इमरजेंसी काला अध्याय। कांग्रेस ने आज तक माफी नहीं मांगा। कल भी जो लोग मरे उनकी याद में जब दो मिनट का मौन रखा गया तब भी ये परेशान थे। आज मैं डीएमके के लोगों को बताना चाहूंगा, उनकी सरकार को, श्री करुणानिधि जी के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को जबरन इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने डिसमिस किया था। तो श्रीमान अखिलेश यादव, स्टालिन, कनिमोई, ये सभी इस बात का ध्यान रखें और तेजस्वी जी इस बात का ध्यान रखें कि उनके पिताजी जेल में बंद थे। ये कौन सी बात करते हैं, 50 साल हो गए तो क्या उस काले अध्याय पर पीड़ा व्यक्त करना भी पाप है क्या? यह है कांग्रेस का सही इतिहास। लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, और अगर थोड़ी चर्चा भी कर दो तो इतने परेशान हो जाते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, स्पीकर के पास जा रहे हैं, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम किया है स्पीकर साहब ने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मात्र उन्होंने उस समय के काले अध्याय को लोकतंत्र से जोड़कर कहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर इतना चोट लगती है उसकी चर्चा से, तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के इरादे नेक नहीं है। संविधान की बात करना है, एक छलावा है। भाजपा ने साफ साफ कहा है, मोदी जी ने कहा है, पूर्व में अटल जी ने कहा है, इमरजेंसी अब नहीं लगेगी, तब भी नहीं लगेगी, लोगों के नागरिक अधिकार का हनन नहीं होगा।
और देश को यही बताना जरूरी है, जब 77 में चुनाव हुआ था तो देश की जनता ऐसा जागी कि इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थी और संजय गांधी जी अमेठी से हार गए थे, और उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक खाता खुला था मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में बस। तो ये देश का इतिहास है, हमें उस लोकतंत्र पर गर्व है। संविधान की कॉपी देकर छलावा न करें, हमें गर्व है कि इस देश के अंदर की ताकत ने इमरजेंसी के काले अध्याय को परास्त किया, और आज जब 50 साल पूरे हो रहे हैं तो हम गर्व से उस बात को कहेंगे और उसका स्मरण दिलाएंगे ताकि आगे कभी ऐसा नहीं हो। धन्यवाद। ये जरा चला दीजिए, जरूरी है। तो आपातकाल को लेकर जिस तरीके की बातें बोली जा रही है, और कांग्रेस ने आज जिस तरह से संसद में कल और आज दो दिन तक हंगामा किया, उसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक कर बताया कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था और क्यों कांग्रेस इतनी छटपटा रही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी के पास सीधे चलेंगे, इस जो जवाब देना है इस बात पर उसके लिए। छोटा सा ब्रेक।